हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो हिस्ट्री में लेसन नंबर 1 द मेडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास, यही अभी हम लोग रीड कर रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। तो आज इस चैप्टर का हमारा तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जो हमारा पिछला टॉपिक था सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो स्रोत थे सूचना के कि हिस्ट्री इतिहास को कैसे जाना गया, उसी में आगे बढ़ना है। और उसी में अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल मतलब होता है जो पूरा तात्विक स्रोत थे, पुरातात्विक का मतलब होता है जो पुरातत्व संरक्षण वाले लोग होते हैं वो इतिहास जानने के लिए जगह जगह पे क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। तो जो खुदाई होता है उसी में जो चीज़ें मिलती हैं, जो भी सामग्रियाँ मिलती हैं, उसी के आधार पे वो लोग इतिहास को क्या करते हैं, इतिहास को समझते हैं, इतिहास को कालों में विभाजित करते हैं। तो वही देखना है कि उस आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मतलब जो भी स्रोत होते थे उसमें क्या क्या मिलता था। देखिए रीड करते हैं इसको। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल टू अस इंक्लूड एम्प्लॉइज प्लेसेस मॉस्क्यू फोर्ट्स टॉम क्वाइंस इंक्रिप्ट अनटेल्स टूल्स वीपन ऑर्नामेंट एंड पेंटिंग्स। अब देखिए ये जो पूरा तत्व स्रोत होता था उसमें क्या क्या आता था, इंक्लूड क्या क्या होता था, एम्प्लॉयज जो भी वहाँ के लोग काम करते थे, पैलेसेस जो राजा का महल होता था, मॉस्क्यू मस्जिद, फोर्ट किला, टॉम मतलब जो भी गुंबद होता था, क्वाइन सिक्के, इंक्रिप्शन मतलब या जो भी अभिलेख होते थे, अनटेल्स मतलब जो भी बर्तने, टूल्स मतलब जो भी उपकरण होते थे, वीपन्स मतलब जो भी औजार होते थे, ऑर्नामेंट मतलब जो भी गहने होते थे, एंड पेंटिंग पेंटिंग जो भी कलाकृतियां, जो भी चलचित्र होते थे। तो यही आर्कोलॉजिकल स्रोत है, यही पुरातात्विक स्रोत है जो खुदाई में क्या होते थे, मिलते थे। दे गिव अस एन आइडिया ऑफ द पोलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द टाइम। इसी से इन्हीं सब चीज़ों से आइडिया मिलता था, एक अनुमान लगाया जाता था कि उस समय का जो राजनीतिक सोशल यानी सामाजिक एंड इकोनॉमिक यानी आर्थिक इतिहास उस समय कैसा रहता था, राजनीतिक की दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से और अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से उस समय का जो इतिहास रहा या उस समय का जो काल रहा वो कैसा रहता था। मेनी रूलर्स पार्टिकुलरली इन साउथ इंडिया इनकरेज टू डिजाइन एंड बिल्ड टेम्पल्स। बहुत सारे ऐसे शासक आए खास करके जो साउथ इंडिया दक्षिणी भारत में आए, उन्होंने क्या किया, इनकरेज टू डिजाइन एंड बिल्ड टेम्पल्स। तो उन्होंने क्या किया, डिजाइन टू एंड बिल्ड टेम्पल्स, जो भी टेम्पल्स से जो भी मंदिर थे उनको नए डिजाइन से मतलब नए तरीके से उसको डिजाइन करवाया, उसको बनवाया और कई सारे क्या करे मंदिर बनवाया या उसको मंदिर बनवाने का या उसको नए सिरे से डिजाइन करने का उसका काम किया, उसको बढ़ावा दिया। टेम्पल्स दस अ रिच सोर्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल हिस्ट्री। इस वजह से जो टेम्पल था, मंदिर था, वो एक बहुत बड़ा क्या हुआ, स्रोत हुआ सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से। जो भी खुदाइयाँ हुई पुरातत्व के द्वारा उसमें जो भी खुदाई में जो भी टेम्पल जो भी मंदिर मिले तो उनसे ये पता लगा कि जो साउथ इंडिया जो दक्षिण भारत में राजा है शासक है उनका ज़्यादा फोकस किस पे था, मंदिर बनवाने पे या मंदिर को डिजाइन मतलब नए तरीके से मंदिर को डिजाइन करने में। तो जब टेम्पल मिला तो टेम्पल से ये पता लगा, उसके द्वारा ये जानकारी हुई कि उस समय का जो धार्मिक या सामाजिक जो इतिहास रहा वो कैसा रहा। पेंटिंग आर अनदर वैल्यूएबल सोर्स। इसके अलावा जो चलचित्र होते थे, पेंटिंग्स होते थे, वो भी एक प्रमुख क्या हुए, स्रोत हुए। एज दे टेल अस अबाउट द कस्टम, जो वहाँ के कस्टम रीति रिवाज को बताते थे पेंटिंग के माध्यम से, रीति रिवाज को दिखाया गया। फूड हैबिट खाने का तरीका, ड्रेस उस समय के ड्रेस उस समय के पहनावे, एंड ज्वेलरी ऑफ द पीरियड और उस समय के जो ज्वेलरी होते थे जो गहने होते थे उसको उस चलचित्र में क्या किया जाता था, दिखाया जाता था। क्वाइंस गिव अस डेट ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। जो भी क्वाइंस होते थे, जो भी सिक्के होते थे,
उसके द्वारा इम्पोर्टेंट डेट का पता चला राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि जो भी राजा होते थे जब उनका शासन चलता था तो वो क्या करते थे, अपने समय का अपने काल का नया सिक्का क्या करते थे, गढ़वाते थे उसको, प्रजा में वही सिक्का क्या होता था चलता था। तो इस वजह से उस सिक्के के द्वारा उस काल का क्या होने लगा, पहचान होने लगा। अ बुक ऑफ कॉइंस टाइटल द्रव्य परीक्षा, एक बुक का नाम दिया है इसमें जिसका नाम है द्रव्य, द्रव्य मतलब आप मुद्रा यानी वही कॉइन, और परीक्षा एंड एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन, ये बुक होता था किस लिए, एंड एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन की जो सिक्के हैं उनकी परीक्षण के लिए। वाज रिटन ड्यूरिंग द रिजीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी जब का शासन हुआ उसी समय इस बुक को क्या हुआ था, इस बुक को रिटन किया गया था। कौन सा बुक, द्रव्य परीक्षा एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन। इट लिस्ट द कॉइन माइंडेड ड्यूरिंग द रिजन ऑफ द सुल्तान, इसमें वो सारे कॉइन थे, उन कॉइन का एक लिस्ट था, सभी प्रकार के सिक्कों की एक सूची थी जो उस समय के सुल्तानों के द्वारा क्या हुई थी, बनवाई गई थी। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम साउथ इंडिया रिकॉर्ड प्रोक्लेमेशन बाय किंग्स एंड गिफ्ट टू टेंपल्स एंड लर्न्ड मेन, जो और भी अभिलेख मिले जो साउथ इंडिया दक्षिणी भारत के राजाओं के द्वारा मिले, इनमें ये जो भी घोषणाएं राजा करते थे या जो भी गिफ्ट जो भी उपहार मंदिरों को देते थे, और एंड लॉर्ड मेन और उस मनुष्यों को और वहाँ के लोगों को क्या क्या सिखाते थे, उस सब का इंस्क्रिप्शन अभिलेख मिला। सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन आर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, उसमें से कुछ अभिलेख जो कॉपर प्लेट होता है ताम्र पत्र होता है उस पर मिले। एंड सम इंस्क्रिप्शन ऑन टेम्पल वॉल, और कुछ अभिलेख कहाँ पर मिले, उस टेम्पल जो भी मंदिर होता था उसकी दीवारों पर मिले, क्योंकि जो दक्षिण भारत में अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा, दक्षिण भारत में जो भी राजा हुए थे वो उनका सबसे ज्यादा फोकस हुआ था टेम्पल यानी मंदिर पे, मंदिर को कैसे और सुदृढ़ किया जाए, तो उसी वजह से जो भी मिला वो मंदिर के द्वारा ही मिला। तो बहुत सारे अभिलेख मंदिर की दीवारों पर लिखे मिले। अब उसके बाद है दूसरा लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी मतलब साहित्यिक, तो साहित्य के माध्यम से या साहित्य के द्वारा कौन कौन से स्रोत, साहित्य कैसे एक स्रोत बनाए किया इसका, उसको देखें। स्टेट पेपर्स एंड ऑफिशियल और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स रिटन इन द पर्शियन प्रोवाइड मच इंफॉर्मेशन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड। स्टेट पेपर जो भी उस समय राजा होते थे उनके जो पेपर होते थे, जो भी वो कैसे शासन चलाते हैं, अगर वो कहीं लिखा हुआ गया था, एंड ऑफिशियल और प्राइवेट, और कोई भी सरकारी या कोई भी प्राइवेट दस्तावेज जो इसमें लिखे गए थे, फारसी में लिखे गए थे, प्रोवाइड मच इंफॉर्मेशन, उनसे बहुत ज़्यादा क्या मिली, जानकारियाँ मिली टू रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड, कि उस जो काल का जो इतिहास है उसको और ज़्यादा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। दो मोस्ट ऑफ इट हैज़ बीन लॉस्ट, यद्यपि उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो क्या हो गए थे, खो गए थे। दोज फाउंड इन प्राइवेट कलेक्शन थ्रू मच लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। इसके अलावा जो किसी प्राइवेट कलेक्शन था उनके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, तो उसके माध्यम से ये जानने की कोशिश किया गया कि उस समय का जो शासन काल था, उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी या उस समय का जो सामाजिक जीवन था वो किस प्रकार चलता था। तो आज आप लोगों ने दो टॉपिक जो स्रोत थे उसमें का दो टॉपिक, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी। आर्कोलॉजिकल मतलब पुरातत्व तात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब जो भी खुदाइयाँ होती थी पुरातत्व विभाग के द्वारा, लोगों के द्वारा उसमें जो जो भी चीज़ें मिलती थी उनके माध्यम से जो इतिहासकार हुए उसको एक मतलब एक इतिहास में पिरोना शुरू किए और धीरे धीरे एक काल का पता चलने लगा। और दूसरा है लिटरेरी यानी रिटर्न में जो कुछ भी रिकॉर्ड मिला उसके माध्यम से इतिहासकारों ने इतिहास को धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ाया, उसके बारे में कैसे कैसे और जानकारियां दी, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।